हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ब्लड प्लाज्मा थेरेपी को COVID-19 संक्रमित मरीजों के ट्रीटमेंट की परमिशन दे दी है। ये बात गौर करने वाली है कि चाइना, जो कि इस महामारी का केंद्र है, उसने भी इस टेक्निक से अपने लोगों को ठीक किया है और पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। फ्रेंड्स ब्लड प्लाज्मा थेरेपी में वो पेशेंट जो किसी बीमारी से ठीक हो जाते हैं, उनका शरीर उस बीमारी को बेअसर करने वाले एंटीबॉडीज बना लेता है। इसके बाद नए पेशेंट के ब्लड में पुराने ठीक हो चुके पेशेंट का ब्लड डालकर इन एंटीबॉडीज के जरिए नए पेशेंट के शरीर में मौजूद वायरस को खत्म किया जाता है। दरअसल जब कोई वायरस किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो उसके शरीर की इम्यूनिटी वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज कहे जाने वाले प्रोटीन बना लेती है, और अगर एंटीबॉडी ज़्यादा अमाउंट में वायरस से लड़ने के लिए बन जाता है तो उसका शरीर वायरस से होने वाली बीमारी से ठीक हो सकता है। हम सब जानते हैं कोरोना वायरस का असर इम्यूनिटी पर करता है। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इस तरह इम्यूनिटी को एक हेल्दी पेशेंट से इन्फेक्टेड पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी को कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहा जाता है। यहाँ कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा का मतलब कोरोना वायरस से ठीक हो चुके पेशेंट से लिए गए लिक्विड पार्ट से है। फ्रेंड्स ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि किसी पेशेंट के शरीर से प्लाज्मा उसके ठीक होने के 14 दिन या फिर 28 दिन बाद ही लिया जा सकता है, और उस पेशेंट का कोरोना टेस्ट एक बार नहीं बल्कि दो बार किया जाएगा। इतना ही नहीं, ठीक हो चुके पेशेंट का एलिजा टेस्ट भी किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा कितनी है। इसके अलावा प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति की पूरी जांच की जाएगी कि कहीं उससे कोई और बीमारी तो नहीं है। तो ये सब वजह से ये थेरेपी में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। दोस्तों इस थेरेपी की एक और खासियत है कि इसमें एक डोनर का प्लाज्मा 4 इन्फेक्टेड पेशेंट को ठीक कर सकता है। दरअसल एक व्यक्ति के खून से 800 मिलीमीटर प्लाज्मा लिया जा सकता है, और वहीं कोरोना से बीमार मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज डालने के लिए लगभग 200 मिलीमीटर का प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। इस तरह एक ठीक हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा 4 लोगों के ट्रीटमेंट में मददगार हो सकता है। फ्रेंड्स ये कोई नई टेक्निक नहीं है, इसे 120 साल पुराना भी माना जा सकता है। DU के बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर विजय चौधरी ने कहा है कि कई बीमारियों में इस थेरेपी से इलाज किया जाता रहा है। 120 साल पहले जर्मन वैज्ञानिक एमिल वॉन बैरिंग ने टेटनेस और डिप्थीरिया का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया था। इस थेरेपी में प्लाज्मा के जो एलिमेंट काम में लिए गए उसको एंटीबॉडीज का नाम दिया गया था। तब से आज तक प्लाज्मा थेरेपी का यूज रेबीज, इबोला और नए कोरोना वायरस COVID-19 से मिलते जुलते MERS MERS और SARS SARS के इलाज में भी हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।